क्या हुआ स्वामी? कौन कर रहा है दुस्साहस? जिन्हें स्वयंभू होने का भ्रम होता है वही दुस्साहस करते हैं देवी। परमपिता ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, उन्हीं के दिव्य अंश से समस्त देवताओं का आविर्भाव हुआ। हम स्वयं को रोक न सके और विनायक श्री गणेश के प्रति भूल कर बैठे। नारायण नारायण। प्रणाम श्री विनायक। अब आप क्या सोच रहे हैं श्री गणेश? अब तो स्वयं श्री हरि आपकी प्रसन्नता के लिए विशाल अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। आपकी योग्यता, महत्व और शक्ति को स्वयं श्री हरि ने स्वीकार किया है। नारायण नारायण। हे श्री गणेश, आपने तो मौन धारण कर लिया। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी शक्ति को उचित सम्मान मिलने जा रहा है। देवर्षि, आप क्या समझते हैं? मैं अनाधिकार मान सम्मान पाना चाहता हूं। क्या मुझमें वो योग्यता नहीं है जिसका पुरस्कार स्वयं श्री हरि ने मुझे दिया था? नारायण नारायण, आप तो क्रोधित हो गए श्री गणेश। मैंने तो केवल इतना। क्षमा करें देवर्षि, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। तो क्या श्री हरि का आयोजन व्यर्थ सिद्ध होगा? मैंने ना किसी आयोजन के लिए कहा था और ना ही कभी कहूंगा। परंतु ये सम्मान तो। देवर्षि, हमें ऐसा सम्मान कदापि नहीं चाहिए, कदापि नहीं। नारायण नारायण। हे विघ्नेश्वर, क्या आप नहीं चाहते कि श्री हरि का धर्म संकट दूर हो? क्या आप नहीं चाहते कि मधु और कैटब जैसे दुर्दांत असुरों का अंत हो? हे विघ्नेश्वर, क्या आप नहीं चाहते कि त्रिलोक में शांति की स्थापना हो? देवर्षि, मैं सबका कल्याण चाहता हूं, सृष्टि में सबका मंगल चाहता हूं। तीनों लोकों में जब भी कोई संकट आएगा उसे दूर करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं और रहूंगा। किंतु देवर्षि, मैं जिस मान सम्मान का अधिकारी हूं उससे वंचित होकर मैं कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। नारायण नारायण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्री गणेश? श्री हरि तो आप ही के मान सम्मान का उपक्रम कर रहे हैं और स्वयं आपके पिता देवाधिदेव महादेव ने ही उन्हें यह परामर्श दिया है। यही तो मैं नहीं चाहता देवर्षि। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु को उस समय मेरा ध्यान नहीं आया जब उन्होंने मधु और कैटब को युद्ध की चुनौती दी। उन्होंने मेरा उस समय भी स्मरण नहीं किया जब उनका प्रहार उन असुरों ने निष्फल किया। बताइए देवर्षि, बताइए, क्या मैं इतना महत्वहीन हूं? नारायण नारायण। हे विनायक, श्री हरि की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सृष्टि पर आए इस संकट को आप शीघ्र अति शीघ्र समाप्त करें और तीनों लोक की चिंता को दूर करें। देवर्षि, मधु और कैटब को लेकर जितनी चिंता आपको है उससे भी अधिक चिंतित मैं हूं। इसलिए इस प्रकार निवेदन कर आप मुझे लज्जित ना करें देवर्षि। जो भी निर्णय होगा वो मैं स्वयं लूंगा, बस आप भी समय की प्रतीक्षा करें। जो भी निर्णय होगा वो शुभ और कल्याणकारी होगा। श्री गणेश, श्री गणेश, हम सब आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी कृपा के बिना इन असुरों का अंत नहीं किया जा सकता। शीघ्र प्रसन्न हो श्री गणेश, प्रसन्न हो। आज मैं प्रसन्न हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
पुत्र गणेश के लिए इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और वो भी स्वयं महादेव के निरीक्षण और निर्देशानुसार। अब मैं निश्चिंत हूँ, पुत्र गणेश को लेकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। माते, आपकी चिंता तो दूर हो गई, किंतु विनायक की चिंता भी दूर नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। क्या पुत्र गणेश अभी भी चिंतित है? माते, इस आयोजन की सूचना अभी तक श्री विनायक को नहीं दी गई है। हाँ माते, और जब तक ये सूचना श्री विनायक को नहीं दी जाती, तब तक उनकी चिंता दूर कैसे होगी? हाँ माते, प्रभु महादेव ने ये आयोजन उनके लिए ही तो रखा है, उनकी प्रसन्नता तो अभिष्ट है सबके लिए। मैं आप दोनों की भावनाओं का आदर करती हूँ, किंतु अब हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये श्री हरि का दायित्व है कि वो पुत्र गणेश को प्रसन्न करने के लिए ये सूचना किस प्रकार उन्हें देंगे। किंतु माते, श्री हरि ये सूचना विनायक को कब देंगे? ये यज्ञ पुत्र गणेश के लिए आयोजित हो रहा है, उचित समय आने पर श्री हरि उन्हें अवश्य सूचना दे देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। शुभ हो, मंगल हो। कहिए देवर्षि, क्या सूचना लाए हैं आप? माते, श्री विनायक को प्रसन्न करना इतना सहज नहीं है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो स्वयं श्रीहरि गणेश के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। हाँ देवर्षि, और वो भी सभी देवताओं की उपस्थिति में। और आपको तो पता है देवर्षि, प्रभु महादेव स्वयं श्री हरि के साथ इस अनुष्ठान की रूपरेखा बना रहे हैं। नारायण नारायण। तब तो महादेव को स्वयं ही श्री विनायक को प्रसन्न करने जाना होगा। देवर्षि, स्वयं महादेव गणेश को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि को अनुष्ठान की विधियां बता रहे हैं। हाँ देवर्षि, श्री विनायक के अनुष्ठान को लेकर देवाधिदेव महादेव भी बहुत चिंतित हैं। माते, जब बात श्री विनायक को प्रसन्न करने की हो तो चिंता तो करनी ही होगी ना। मैं तो केवल शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ कि सब कुछ भली प्रकार संपन्न हो जाए। माता, अब मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अब क्या होगा परमपिता? कहीं ये संकट गंभीर ना हो जाए। कौन सा संकट? अब तो पता है परमपिता कि श्री हरि को सफलता मिलने वाली है, किंतु तो क्या श्री हरि की सफलता पर कोई संदेह है? नारायण नारायण। संदेह तो नहीं है परमपिता, किंतु आशंका अवश्य है। कौन सी आशंका? यही कि क्या मधु और कैटब श्री गणेश के प्रसन्न होने तक शांत बैठे रहेंगे? क्या वे श्री हरि के महायज्ञ को शांति से संपन्न होने देंगे? तुम्हारी आशंका निर्मूल नहीं है नारायण, ये असुर प्रवृत्तियां कभी समाप्त नहीं हो सकती। मधु और कैटभ अपने स्वभाव के अनुकूल यज्ञ को बाधित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। ऐसे में श्री हरि श्री गणेश के आह्वान यज्ञ को संपन्न कैसे कर पाएंगे? क्या तुम भूल गए नारद कि ये यज्ञ विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है? मधु और कैटभ की साम दाम दंड भेद समस्त नीतियां इस यज्ञ में व्यर्थ सिद्ध हों। नारायण नारायण। किंतु श्री गणेश तो रुष्ट हैं परमपिता, वो इस यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? और ये भी तो सत्य है परमपिता कि उन दोनों असुरों को स्वयं शक्ति रूपा देवी योग निद्रा का वरदान प्राप्त है। उसी वरदान के कारण तो दोनों असुरों ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है।
उन्होंने देवी योगनिद्रा के वरदान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है नारद। तो क्या देवी योगनिद्रा अपना वरदान वापस ले लेंगी? ये तो मधु और कैटब को सोचना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। देवी योगनिद्रा का वरदान कभी असत्य नहीं हो सकता, कभी नहीं। हमें विष्णु से तनिक भी भय नहीं है भ्राता, किंतु विनायक के विषय में हमें अवश्य सावधान रहना होगा। याद है तुम्हें जब हमने देवी योगनिद्रा को प्रसन्न किया था? प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो शक्ति रूप देवी, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो शक्ति रूपा देवी, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो शक्ति रूपा देवी, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो शक्ति रूपा देवी, प्रसन्न हो। श्री हरि विष्णु के अंगों में वास करने वाली मैं शक्ति रूपी योग निद्रा तुम दोनों की कठोर साधना से प्रसन्न हुई। क्या चाहते हो तुम दोनों? देवी, हमें अमृत का वरदान चाहिए। देवी, इस विश्व में हमें कोई ना मार सके। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। किंतु स्मरण रहे, महादेव शिव के पुत्र श्री गणेश के प्रति कोई भी भूल कोई प्राण घातक सिद्ध हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। स्मरण आ गया भ्राता, स्मरण आ गया। किंतु गणेश का हमने क्या हित किया? उनके प्रति हमसे कौन सी भूल हो सकती? अभी तक तो कोई भूल नहीं की भ्राता, और आगे भी नहीं करनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तुम भयभीत हो भ्राता, उस महाशक्ति देवी के वरदान पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। संदेह नहीं भ्राता, पर सावधान रहने को कह रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि देवी योग निद्रा का वरदान उल्टा पड़ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमें कोई छू भी नहीं सकता। बोलिए बोलिए देवी, क्या असत्य है आपका वचन, क्या असत्य होगा आपका वरदान? उत्तर दे देवी, उत्तर दे योगनिद्रा देवी। सावधान मधु, सावधान कैटब, सावधान, सावधान। हमारा वरदान कदापि असत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं वही योगनिद्रा हूँ, वही योगनिद्रा जो तुम दोनों की इच्छा के अनुसार श्री हरि को निद्रा की अवस्था में ले गई थी। नहीं देवी, ये आपका अपमान है, ये शक्ति का अपमान है। वरदान के साथ साथ हमने उसकी सीमाओं का ज्ञान कराया था। तुम दोनों जैसे ही उन सीमाओं का अतिक्रमण करोगे, वरदान अभिशाप बन जाएगा। नहीं भ्राता, ऐसा नहीं हो सकता। गणेश ने हम पर घात कर दिया तो? परंतु गणेश हम पर घात क्यों करेंगे? विष्णु के कारण। पुनः हमें विष्णु पर नजर रखनी होगी। शकल, त्रिकाल। क्या आज्ञा है अशोकराज? तुम दोनों जाओ और विष्णु पर नजर रखो। देखो कि वो हमारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहा है। जो आज्ञा अशोकराज। जाओ। श्री हरि
ये सिद्ध क्षेत्र है। ये क्षेत्र श्री गणेश के यज्ञ के लिए अति उत्तम है। हमने भी इस स्थान के बारे में बहुत सुना है। देव ऋषियों ने बताया है कि इस स्थान पर प्रत्येक आयोजन सफल होता है, इसलिए विनायक के अनुष्ठान के लिए ये स्थल अति उत्तम है। इसलिए इस अनुष्ठान के पश्चात ये सिद्ध क्षेत्र सिद्धेक के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री हरि, आप निर्विघ्न यहां पर यज्ञ समापन करें। श्री गणेश के पूजन अनुष्ठान से वे प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर मधु और कैटअप के अंत का मार्ग प्रशस्त होगा। महादेव, यज्ञ की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सारे देवता और ऋषि उपस्थित हैं। अब हम इस अखंड यज्ञ का आरंभ कर सकते हैं। अब तक हमें कोई सूचना नहीं मिली। निश्चित रूप से संपूर्ण देवतागण एकजुट होकर हमारे विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे यकीन। किंतु मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि देवताओं की कोई भी चाल अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि केवल विष्णु ही नहीं, संपूर्ण देवलोक का विनाश करेंगे। किंतु प्रताप, हमारे डर से महादेव की शरण में गया विष्णु, पता नहीं वहां कब तक छुपा बैठा रहेगा, और अब तक हमें कोई सूचना कैसे नहीं मिली, कैसे? ये बात तो है, हमारे गुप्तचर त्रिकाल और साकाल अब तक पहुंचे क्यों नहीं? असुरराज, 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 संकट, 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 असुर संकट। कौन सा संकट? और तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों? हमें संकट में डालने वाला इस त्रिलोक में कौन है? कौन है? गणेश, महादेव का पुत्र गणेश। गणेश? हाँ असुरराज, गणेश को प्रसन्न करने के लिए विष्णु यज्ञ कर रहा है। क्या? हाँ सुराज, हमने स्वयं देखा है, महादेव स्वयं इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस यज्ञ को रोकना होगा, अवश्य रोकना होगा। हाँ भ्राता, हर परिस्थिति में रोकना होगा। नारायण नारायण, महादेव रक्षा करें, महादेव इस यज्ञ की रक्षा करें, महादेव। अब विलंब न करो पुत्र, जाओ, श्री हरि तुम्हें पुकार रहे हैं। अवश्य माते, आप हमें आशीर्वाद दें। किसने किया है दुस्साहस? बोल, किसने किया, किसने किया हमारा अपमान? क्षमा करे असुरराज, क्षमा करे। गणेश